السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. यहाँ पर एक सवाल है कि किसी की वफ़ात हुई तो वहाँ एक खातून पहुँची और उन्होंने उस वफ़ात शुदा से कहा कि तुम मेरा सलाम फला फला को पहुँचा देना। ये उनके वो अज़ीज़ा अक़रबा जो पहले वफ़ात पा चुके थे। ये चीज़ वहाँ लोगों को अजीब लगी और इस सिलसिले में सवाल है, क्या ऐसा करना जायज़ है? तो सवाल जो है इसका जवाब ये है कि ऐसा करना नहीं जायज़ है कि मैयत जो है जो वफात पा चुका है इस दुनिया से उसका ताल्लुक मुनक़ते हो चुका है, दुनिया से उसका ताल्लुक मुनक़ते हो चुका है, अब यहाँ की बातें वो नहीं सुनता। चुनांचे अल्लाह के नबी वसल्लम की हदीस है सही मुस्लिम की, इज़ा मात इंसान इनक़ता अमल, इंसान जब मरता है तो उसके अमल का सिलसिला मुनक़ते हो जाए। अभी तो सुनता था नहीं सुनता, देखता था नहीं देख सकता, तमाम चीज़ें मुनक़ते हो जाती हैं, उसके अमल मुनक़ते हो जाते हैं। और फिर कुरान में साफ तौर से अल्लाह तआला ने फरमाया, उमा यस्तवी अलहया वल अमवात इन्नल्लाह यस्मउ मन यशा वमा अंत बिमुस्लिम मन फिल क़ुबूर। जिंदा और मुर्दा बराबर नहीं हो सकते, और यकीनन अल्लाह ताला जिसको चाहता है सुनाता है, और आप कब्र वालों को नहीं सुना सकते। आप कब्र वालों, सूरह फातिहा आयत नंबर 22, तो यहाँ अल्लाह ताला कहता है जिंदा और मुर्दा बराबर नहीं हो सकते, आप मुर्दों को नहीं सुना सकते, कब्र वालों को नहीं सुना सकते हो, तो फिर उनसे खिताब करने का क्या माना है जो वो नहीं सुनते हैं? इसी तरह अल्लाह ताला सूरह नमल आयत नंबर 80 में फरमाया, इन नकलात उस्मिल मौता, बेशक आप मर्दों को नहीं सुना सकते। सूरह नमल आयत नंबर 80, और इसी तरह सूरह फातिर आयत नंबर 14 में अल्लाह फरमाता है, इन तदउहुम ला यस्मउ दुआकुम वलौ समिउ मस्तजाबू लकुम व यौमल क़ियामति यकफुरून बिशिर्किकुम व ला युनब्बिउक मिथ्लु खबीर। यहाँ सालिहीन का जिक्र किया अल्लाह ताला ने कि जिन अगर तुम इनको पुकारो तो तुम्हारी पुकार नहीं सुनते, अगर सुन भी लें तो जवाब नहीं दे सकते, और क़यामत के दिन तुम्हारे शिर्क का इनकार करेंगे, और अल्लाह अलीम खबीर की तरह तुम्हें कोई ख़बर नहीं दे सकता। तो जब सालिहीन नहीं सुनते तो आम मैयत कैसे सुनेंगे? तो बहरहाल मुर्दे नहीं सुनते हैं, उनको ख़िताब करना ये जहालत है, ये जहालत है इंसान की कि मैयत से ख़िताब करे। अगर सुनते ही तो फिर जिंदा और मुर्दा में फ़र्क क्या रहा? जिंदा भी सुनता है मुर्दा भी सुनता है, अगर दोनों सुनते हैं तो फ़र्क क्या रहा दोनों में? तो ये तमाम सलाहियतें सल्ब हो जाती हैं, दुनिया से उनका ताल्लुक मुनक़ते हो जाए। उम्मी वरा हम बरसोमी बैतून अल्लाह ने फरमाया, क़यामत तक दुनिया और उनके दरमियान वोट लगा दिया जाता है, खलास आजिज़ है उनके और दुनिया के दरमियान में, बरज़ख में है वो, ये दुनिया से उनका ताल्लुक मुनक़ते हो चुका है, इसलिए दुनिया की बातें उन तक नहीं पहुँचती, हमारी बातें उन तक नहीं पहुँची, हम नहीं सुना सकते, हमें नहीं देख सकते हो, ये वाजे होना चाहिए थे। मुर्दे और ज़िंदे में फ़र्क है। और इस सिलसिले में महमूद आलूसी ने एक मशरूफ़ किताब लिखी, अलायातुल बयिनात फ़ी अदमि समाइल अमवात इंद अलहनफ़ियत अस्सादात, और उलमाए हनाफ के बहुत से नक़ुलात उसने ज़िक्र किए हैं कि मुर्दे नहीं सुनते हैं, मुर्दे नहीं सुनते हैं। हज़रत आयशा, हज़रत उमर और दीगर सहाबा, और इसी तरह इब्राहिम नखई और दूसरे जो है ताबईन जो है, और इब्न उलमाए हनाफ में से इब्न आबिदीन, कमाल इब्न हमाम, और जो है क़ाज़ी अयाद, और इसी तरीक़े से क़ाज़ी अबू याला, ये मुख्तलिफ़ उलमाए किराम और आइम्मे किराम के जो है नुक़ुलात मौजूद हैं कि मुर्दे नहीं सुनते हैं, सुनते होते तो जिंदा और मुर्दा में फ़र्क क्या रहा? जिंदे भी सुनते हैं मुर्दा भी सुनते हैं, तो बहरहाल उनको ख़िताब करना और इस तरह का पैगाम भेजना तो ये जहालत है, बदअक़ीदगी है, इससे इंसान को तबाह करना चाहिए। अल्लाह तआला ताला हम सब को फ़हम सलीम अता फ़रमाए, और इस तरह गलत रवि से अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। वसल्लल्लाहु अला नबी मोहम्मद वअला आलिही वसहबी वसल्लम।